आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। कोरोना मरीजों के लिए खुशखबरी, 2DG2 दवा है पूरी तरह से कारगर, नहीं है कोई साइड इफेक्ट, सही समय पर हो इस्तेमाल तो नहीं होंगे मरीज गंभीर। मेदांता गुड़गांव हार्ट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने दी जानकारी, कहा यह सस्ती दवा मचा सकती है पूरे विश्व में तहलका। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड के कोविड अस्पताल की तैयारी अंतिम चरण में, कमिश्नर डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने लिया अस्पताल की तैयारियों का जायजा। 26 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पताल का कर सकते हैं शुभारंभ। कोरोना कर्फ्यू में दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए देगी प्रदेश की योगी सरकार। शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में DPRO ऑफिस में संपर्क करें पात्र व्यक्ति, ADM फाइनेंस ने कहा पात्र व्यक्ति उठाए योजना का लाभ। गीड़ा स्थित अन्नपूर्णा गैस प्लांट का मंडलायुक्त, DM सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने कहा अब पूर्वांचल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाएगी किसी की जान। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में शनिवार की रात दो पक्षों में हुआ विवाद, पुलिस NCR दर्ज कर रही है विधिक कार्यवाही। प्राइवेट लैबों में सिटी स्कैन की धनराशि को शासन ने किया निर्धारित, 2 से 2,500 तक ही ले सकेंगे लैब संचालक। ADM फाइनेंस ने कहा ओवर रेटिंग करने वाले लैबों के खिलाफ जाँच कर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। गोरखपुर में रविवार को मिले 144 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 57,963। अब तक 624 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 3,938 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए यातायात पुलिस ने रविवार को चलाया सघन ऑटो चेकिंग अभियान, दर्जनों गाड़ियों को किया सीज, कहा अनावश्यक सड़क पर सवारी ना भरे ऑटो चालक, घर में रहे सुरक्षित। कोरोना कर्फ्यू में नहीं देखने को मिली आलू प्याज के दामों में बढ़ोतरी, नवीन महवा मंडी में बिक रहा है आलू 16 रुपए तथा प्याज 18 रुपए। और शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का रविवार को भी देखने को मिला आंशिक असर, CO ट्रैफिक के नेतृत्व में चला सघन चेकिंग अभियान। SP सिटी ने कहा जनता करे कर्फ्यू का पालन, घर में रहें सुरक्षित रहें।